कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। ये बताएं, शादी के बाद भी आपके बाल काफी घने, क्या राज है? इसका ये राज है जी, मुझे बेगम से बड़ी अच्छी खुराक मिलती है, मेरा 3 टाइम ख्याल रखती है, मुझे जो पसंद का खाना कहते हैं वो बना के रखती है। अंकल दांत कहाँ गए? मेरे दांत, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से, वो क्रैश हो गया था। अच्छा अंकल जी, ये बताएं, शादी से पहले की लाइफ को याद करते हैं शादी के बाद? शादी की जो पहले वाली लाइफ थी बहुत डेंजरस थी। पहले बहुत डेंजरस थी, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है। और समझ लें, मेरी ज़िंदगी के 3 वाक्य हैं। मैंने अपनी वाइफ को अपनी गोदी में भी खिलाया हुआ है और स्कूल भी छोड़ने गया हूँ उसको, और मैंने अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जो मैं जिसको भी बताता हूँ ना, वो हैप्पी हैप्पी हो जाता है। ये कन्फर्म बात आप रिश्ता बताए ना, क्या है कि आपने अपनी वाइफ को गोदी में खिलाया भी, वह स्कूल भी छोड़ा हुआ है? इसलिए वो हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आती थी, तो मेरी एज का तकरीबन 20 का फ़र्क है, 20 साल का, यानी कि 20 साल मैं बड़ा हूँ। तो इस पॉइंट से मैं आपको बता रही हूँ मेरी ज़िंदगी का अजूबा है जो इस वक्त। इससे और छोटी नहीं मिली? नहीं, इससे छोटी नहीं मिली, इससे छोटी नहीं मिली। मेरे माँ बाप की भी रजामंदी थी कि आपकी शादी इसी से ही। वो मान गई थी? वो ऐसे मानी है जैसे कि कुछ लोग जो टीचर है, जैसे जब शिकार को पता है वो ऐसे मानी। तो जी नाजी, इनकी जो उन्होंने अपनी बात स्टोरी बताई, इनको ये कहना था कि जो मेरी वाइफ है उनकी हमारी आपस में खास बात ये है कि हम मैंने उसको गोदी में बिठाया हुआ है, खिलाया हुआ है, इसके अलावा स्कूल भी छोड़ा हुआ है और अपने ससुर का वलीमा भी खाया हुआ है। सर ये बताएं कि ससुराल जो है वो शादी के बाद दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए? मैं कहता हूँ इतना पास हो के बंदा द्वार टपे ससुराल चला जाए, उधर से टपे वापस आ जाए। इतना पास हो कि दिन का खाना हम अपना खाएं, शाम को उधर से आ जाए। हाँ जी, ये है, खाने पीने में तंगी नहीं होगी, जो डिश उधर पकी होगी इधर आ जाएगी, इधर डिश पकी होगी उधर चली जाएगी। आई एम हैप्पी लाइफ, माय 4 बेबी। जी वो तो हो नहीं है, 20 साल आपसे छोटी है, और क्या चाहिए? समझने के ऐसे जैसे वो बच्ची लगती है मेरे आगे, इतना मेरा डिफरेंट है। लोग कहते हैं वेरी नाइस कपल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिश्ता किसने कराया था? ये रिश्ता ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, बाकी मैं अल्लाह का बड़ा करम है, इतना खुश हूँ कि बेगम को गाने तो कुछ सुनाते ही हो। हाँ जी, वो पहला गाना सुना था जब मेरी बारात एंटर हुई है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर। आपने गाया था, उसने गाया था? उन्होंने गाया था। हाँ जी। अंकल जी आपने क्या गाया था? मैं अभी तक गा रहा हूँ, वो बताने वाला गाना नहीं है बच्चे, वो बड़ा कौन सा बताने वाला, वो बता दे। वो बड़ा सैड गाना है, वो मैं बता नहीं सकता। चले कुछ शेर सुना दे अपनी बेगम के लिए। सुना दे सर, इतने शेर है मैं बयान नहीं कर सकता। एक शेर तो सुना दे। वो गाना ही मैंने गुनगुना तो दिया, अब इस बच्चे की लाइफ के बारे में आज शेर तो सुनाए ना बेगम के लिए, एक शेर हो जाए। जनाब शेर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी ये याद नहीं आ रहा बच्चे। शेर बहुत अच्छा है लेकिन बता नहीं सकते, याद नहीं आ रहा। आपने तो कहा ससुराल जो है वो पास होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ससुराल अगर पास होता है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, बेगम छोटी छोटी शिकायत जो है वो जाके बता देती है। वो मेरी बेगम ने मुझसे सवाल किया, मैं आपको कब अच्छी रखती हूँ, मैंने कहा जब तुम ससुराल गए थे, और उसने मुझसे यही सवाल किया आप भी ये कब अच्छे लगते हैं, मैं कहता हूँ मैं जब तुम्हारे ससुराल गया वो, तो वो बड़ी सैड हुई। ये क्या जवाब? मैंने कहा यही जवाब है इसका, लॉजिक भी बता दे ऐसा क्यों। ये बस ये कॉमन सेंस की बात है, की बात है। अच्छा अंकल, ये इसकी जो कहते हैं कि ससुराल जो है पास होने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि पेट्रोल की बचत होती है। मैं कहता हूँ मेरी सारी बचत हो जाती है, पेट्रोल से लेके खाने पीने की बचत हो जाती है। जो है ये कह रहे हैं कि ससुराल जो है ना वो पास ही ठीक है।